श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई 6 जनवरी से हिंदुस्तान कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। टूर्नामेंट दो चरणों में खेला जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में क्वालिफाइंग राउंड और द्वितीय चरण में मुख्य लीग का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर समिति की ओर से सारी तैयारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में 15 जनवरी तक क्वालिफाइंग मैच का आयोजन खुर्सीपार रिसाली और राधिका नगर में किया जाएगा। इसके बाद मुख्य लीग सेक्टर 1 क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। प्रतियोगिता में 160 टीमें भाग ले रही हैं। क्रिकेट मैच में विजेता टीम को 2 लाख रुपए नकद और उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा 6 जनवरी से भिलाई के 3 स्थानों पर क्वालिफाइंग राउंड के मैच कराए जा रहे हैं। क्रिकेट के आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें एक राधिका नगर का वेन्यू है, कुर्सीपार है और रिसाली है। कुल 160 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं क्वालिफाइंग राउंड में, और इन 160 टीमों के बीच में नॉकआउट टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें से जो विजेता और उपविजेता तीनों ग्राउंड पर टीम रहेंगी। वो मुख्य आयोजन जो सेक्टर 1 में होना है 16 जनवरी से 15-16 जनवरी से जो होना है, उस पर ये टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ से 6 टीमें